हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी वेट लॉस जर्नी। सो आज हम बात करेंगे द राइट वे टू लूज़ वेट। ओके, बहुत सारे तरीके आ गए हैं वेट लॉस करने के, बहुत सारी टीज आ गई हैं, बहुत सारी ड्रिंक्स पियो पतले हो जाओ, या फिर बहुत सारी यो यो डाइट्स आ गई हैं, क्रैश डाइट्स आ गई हैं बहुत सारे डिटॉक्स पैटर्न्स आ गए हैं कि अब समझ में नहीं आता कि वेट लॉस कैसे करें। सो वेट लॉस अगर आप लोग, दो तरीके से होता है, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। जब हम परमानेंट करने पे आते हैं तो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो ज़रूर होता है, बट वो प्रोसेस आपका परमानेंट रहता है। ठीक है, जब हम कोई शॉर्टकट्स अपनाते हैं तो क्या होता है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, स्किन डल होनी शुरू हो जाती है, या फिर आपके जॉइंट्स में पेन, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, तो हर जगह पे पेन्स आने शुरू हो जाते हैं जब आप कोई शॉर्टकट अपनाते हो। तो थोड़े टाइम के लिए आपको तसल्ली ज़रूर देता है, चाहे वो 5 किलो 6 किलो कम कर देता है एक महीने में, लेकिन उसके बाद बॉडी में धीरे 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 डेफिशिएंसीज आनी शुरू हो जाती हैं। सो मेन थिंग क्या है कि जब भी वेट लॉस करना है तो हमें 3 चीज़ों पे काम करना होता है। अगर आप ये 3 चीज़ों पे काम कर रहे हो तो फिर आपके रिजल्ट जो आएंगे वो परमानेंट आने वाले हैं। सबसे पहले चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर जो आपने वेट गेन किया है उसको टाइम लगा है तो लॉस करने में भी उसको टाइम लगने वाला है। आप कभी ये मत सोचो कि 10 किलो आप एक महीने में कम कर सकते हो, ऑफकोर्स नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आपने 10 किलो एक महीने में गेन नहीं किया है, सबसे बड़ी चीज़। सो अगर गेन नहीं किया है तो आप लॉस कैसे करोगे, तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो नंबर वन थिंग इज, सबसे पहले आपको काम करना है अपनी हैबिट्स पे। अगर आप लोग भी कोई शादी के लिए पतला हो रहे हो या फिर किसी ट्रिप पे जाने के लिए पतला हो रहे हो, तो वो सिर्फ आप एक महीने के लिए पतले हो गए, उसके बाद उसी लाइफ में आप वापस आने वाले हो। सो मेक श्योर सबसे पहले 3 चीज़ों पर काम करें, अपनी हैबिट्स पे, जो आपकी आदतें हैं उसको बदलें, अपने लाइफस्टाइल को बदलें, अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करें, देन आपका थर्ड स्टेप होना चाहिए आपका वेट लॉस। जब भी आप ऐसे उसको धीरे धीरे चढ़ते हैं अपनी सीढ़ियों पे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सो सबसे पहले गुड हैबिट्स के हम बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो अगर आप डालते हो तो आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत इजी हो जाती है और बहुत आसान होती है, जो मैं अपने सारे क्लाइंट्स को जूम मीटिंग्स में भी सिखाती हूँ। सो सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आपको मैं बोलूँ कि लो भैया ये डाइट प्लान फॉलो कर लो, जिसका आपको पता भी नहीं है उसको करना कैसे है, जिसको आपने कोई अपनी आदतों को चेंज नहीं किया, अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया, तो उस प्लान को आप 10 दिन तक, 5 दिन तक, 6 दिन तक फॉलो करोगे, बट उसके बाद आप क्या सोचो कि यार ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा, मेरे बस का ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो डाइट प्लान्स लेते हैं, छोड़ते हैं, फिर वेट बढ़ाते हैं, फिर कम करते हैं, फिर बढ़ाते हैं, फिर कम करते हैं, उससे क्या होता है उनका मेटाबॉलिक रेट डाउन चला जाता है, वेट एक जगह पर आके स्टक हो जाता है, बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज आनी शुरू हो जाती हैं, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। सो सबसे पहले काम करो अपनी हैबिट्स पे। अब हैबिट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, नंबर वन थिंग इज, जो भी आपका लोकल फूड है, आपके सिटी में इजिली अवेलेबल है, उस फूड आइटम्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू कीजिए। दैट्स मीन एप्पल लोकल फूड है तो एप्पल लीजिए, मैंगो लोकल फूड है तो मैंगो लीजिए, जो आपकी डाइट में इजली, जो आपके सिटी में इजली फूड अवेलेबल, जो सीजनल है, सबसे बड़ी चीज़। ये नहीं अवोकेडो बाहर का फूड है, अच्छा होता है तो चलो डाइट में लेना शुरू कर देती हूँ, मशरूम्स ब्रोकली सीजन में नहीं है बट अच्छी है तो लेना शुरू कर देती हूँ, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। जो आपकी सिटी में सीजनल है, लोकली अवेलेबल है, वो चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। मेक श्योर जो भी आप खाना बनाओ, जितना हो सके उसको घर पे बनाने की कोशिश कीजिए। घर पे जितना आप कुकिंग करेंगे, आपकी जो जर्नी है वो उतनी इजी होगी, और आप जितना घर पे अपना प्री प्रिपेयर अपना फूड करके रखेंगे, आपकी वेट लॉस जर्नी कभी ख़राब नहीं होने वाली है। तो अपने घर के फ्रिज में, किचन में एक मेन्यू सेट कर लो, जिसको आपने सोचना है कि एवरी संडे वो आपका मेन्यू चेंज होगा। जैसे हम डाइट प्लान्स लोगों को देते हैं और हम बोलते हैं कि आप इस प्लान को 10 दिन का मेन्यू देते हैं कि इस प्लान को किचन में लगाओ और उसके अकॉर्डिंग अपना सारा शेड्यूल आप लोग सेटअप करके रखो, वैसे ही सेम एज इट इज़ आपको करना है। अपने घर के किचन में एक मेन्यू एवरी संडे चेंज कीजिए, आज ब्रेकफास्ट में ये बनेगा, लंच में ये बनेगा, डिनर में ये बनेगा, ये स्नैक्स होने वाले हैं, तो कभी भी आप
आपको अपने किचन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, और उसकी प्रिपरेशन आप लोग पहले करके रखेंगे तो आपको और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, ना तो आपके बच्चे बाहर का कुछ खाएंगे और ना आप लोग बाहर का कुछ खाओगे, क्योंकि आपके पास सारी ऑप्शंस घर पे इजीली अवेलेबल होंगी, जिसको आप संडे को सब चीज़ों को ग्रॉसरी लिस्ट को अपनी रखिए और उसको सब चीज़ें घर पे लेके, क्योंकि सैटरडे या संडे जिस दिन भी आपको हॉलीडे होता है उस दिन ही आप सारी प्लानिंग कर सकते हैं। नंबर थिंग इज ट्रेडिशनल फूड, जितना भी अगर आप लोग साउथ इंडियन हैं इडली डोसा, अगर आप गुजराती हैं, मैं हूँ पंजाबी लेकिन रहती गुजरात में हूँ, लेकिन उसमें अब मेरे लिए गुजराती जो फूड है सीजनल, खम्मन इडली या जो भी हमारे यहाँ पे पातुरी ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो मुझे ये वाली चीज़ें ही खानी है। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे पंजाब की आदतें पड़ी हुई हैं तो वो यहाँ पे मैं खाऊंगी तो नहीं चलेगा। वैसे ही जो आपके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आपके सिटी में, आपके शहर में, आपके स्टेट में जो चीज़ें बनती हैं, जो चीज़ें मिलती हैं, वो चीज़ें इंक्लूड कीजिए, वो आपको फ़ायदा देने वाली है। स्पेसिफिक डिटॉक्स वाटर, स्पेसिफिक वाटर पीने से आप कभी पतले नहीं होने वाले हो, जीरा पानी पीने से कभी पतले नहीं होने वाले हो, उसके साथ अपनी आदतों पे काम आपको करना ही पड़ेगा, तो ही जाके आपका वेट लॉस भी होगा। तो नंबर थिंग इज प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड, लोगों को बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है खाने की, जिसकी वजह से वेट लॉस नहीं होता। छोटी छोटी लड़कियों को थायराइड हो रहा है, छोटे से बच्चों के पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, जो कभी सुनने को भी नहीं आया था। तो जितना हो सके अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों की हाइट अच्छी हो, आपकी स्किन अच्छी हो, आपके बच्चों को इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, तो आज से ही, कल से नहीं, आज से ही आपके घर में जितनी भी पैकेजेस फूड अवेलेबल है उन सबको स्ट्रिक्टली मना करो, अपने बच्चों को भी मत खाने दो। आप उसके बजाय सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, वेजिटेबल जूसेस, फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स की स्मूदीज, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कीजिए, जिसके आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जिससे आपके बच्चों को बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके बच्चों को चिप्स खाना पसंद है तो आप अपनी बनाना चिप्स घर पे बना सकते हैं, बहुत सारी अनलिमिटेड रेसिपीज हैं यूट्यूब पे, तो उनको ट्राई कीजिए, अपना टाइम निकालिए। थोड़ा सा टाइम की दिक्कत आजकल सबको हो गई है, लेकिन अगर आप ये टाइम अभी निकालेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सो नेक्स्ट थिंग इज सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम टाइम पे सोएंगे ही नहीं तो हमारे ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे, जब हम सोएंगे ही नहीं तो हमारा वेट लॉस क्या, हमारा गट हेल्थ भी अच्छा नहीं होगा, हम सोएंगे ही नहीं तो हमारी स्किन पे पिंपल्स एक्ने होने वाला है, हम सोएंगे ही नहीं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स, आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हो सकते हैं। सो मेक श्योर अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, अपनी गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए 8 घंटे की नींद ज़रूर अच्छे से लें, और जितना हो सके अगर आपका सिटिंग जॉब भी है तो पूरा दिन नहीं मैं कहती, लेकिन थोड़ा बहुत बीच बीच में चलते रहें, अपनी बॉडी को जितना हो सके स्ट्रेच करें। जब हम बोलते हैं ना एक गिलास पानी देना, एक गिलास चाय देना, तो उस चीज़ों को खुद करना शुरू करो, जिससे आपकी मूवमेंट भी बढ़ेगी और आपकी बॉडी में कभी भी आलस नहीं आने वाला है। जितना हो सके एक्टिव रहें और खुश रहें। अब क्या है, आजकल लोगों के फेस पे स्माइल बहुत कम दिखती है। जब छोटा सा बच्चा होता है वो कितना खुश रहता है, उसको कभी वजह नहीं ढूंढनी पड़ती है कि स्माइल की। सो अगर आप भी अपने बचपन को भूल गए हो तो अभी अपने बचपन की यादों को अपनी लाइए और एक हंसना शुरू कीजिए। स्माइल जो है वो आपकी लाखों बीमारियों का इलाज है। अगर आप हंसते हैं तो आपकी काफ़ी बीमारियां दूर हो जाती है। पूरा दिन हंसने का टाइम नहीं मिलता है तो सुबह और शाम हंसने की प्रैक्टिस कीजिए। लाफिंग वर्कआउट होता है, लाफिंग एक्सरसाइज होती है, लाफिंग योगा होता है, तो वो सब ज़रूर कीजिए। किसी के लिए नहीं, अपनी हेल्थ के लिए। आपको पतला होना है किसी की शादी के लिए नहीं, बट अपनी हेल्थ के लिए होना है। जब आप ये सोच के पतले होंगे ना तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है। एक साइड पे आप पतले हो रहे हो, दूसरी साइड पे आपका ध्यान समोसा खाने पे है या जलेबियाँ खाने पे है, तो आप पतले कभी नहीं हो सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको अपने माइंड को भी समझाना पड़ता है, उसके बाद आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है, और हर चीज़ को आपको समझना पड़ता है। आप सबके जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं मैं बाद में लास्ट में सबके रिप्लाई करूँगी, ओके। पहले मैं इस वीडियो को आपको सब चीज़ें समझा पाऊँ ताकि आप लोग समझ पाओ, क्योंकि अभी तक भी आप लोग ये पूछते हो कि मेरी हाइट इतनी है, मेरा वेट कितना होना चाहिए, मुझे कितना लॉस करना चाहिए। देखो, वेट एक जस्ट अ नंबर है। आपने जो गेन किया है वो काफ़ी सालों से गेन किया है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में नहीं किया है। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप ये डाइट फॉलो करो, कीटो डाइट ले लो, चलो आप फॉलो करो, 10-12 किलो महीने में आराम से कम हो जाता है।
लेकिन उसके बाद मैं आपको ये भी बोलूं कि जो 12 किलो आपने कम किया है, कीटो डाइट छोड़ते ही आप दूसरी डाइट पे आओगे तो शायद आपका 20 किलो भी बढ़ जाए। क्या वो डाइट अच्छी है? ऑफ कोर्स नहीं है। सिर्फ वेट को हमें नहीं देखना है, आपको कितने बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या उसके फ़ायदे होने वाले हैं, वो चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले हमने बात की गुड हैबिट्स पे। अब नंबर 2 पॉइंट है हेल्थ। जब आप ये सारी हैबिट्स पे काम करोगे, अब आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आपका डाइजेशन अच्छा होगा, जिससे आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव होगी, आपको कभी ब्लॉटिंग नहीं होगी। अगर आप टाइम पे खाना खाएंगे, आपको कभी एसिडिटी नहीं होगी। अगर आप बैलेंस करके खाएंगे तो आपका वेट लॉस भी अच्छा होगा। अगर आप फ्रूट्स, सैलेड, सब्जियां, प्रोटीन, कार्ब्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे ना, आपको स्किन पे कभी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करती है जब ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। अब वो कैसे करती है? देखो, जब आप पैकेज फूड खाते हो या फिर चिप्स, नमकीन, फ्रेंच फ्राइज, ये सारी चीज़ें खाते हो, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ीरो है। लेकिन जब आप अपने फ्रूट्स, अपने सैलेड, अपने दाल, राजमा, छोले, पनीर, चिकन, फिश, ये सारी चीज़ें मॉडरेशन में लेके, रोटी, राइस सब खाते हो, तो क्या होता है? आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। एक पौधा लगाया घर पे, उसको मैगी खिलाएंगे, क्या ग्रो करेगा? नहीं करेगा। वैसे आपकी बॉडी को अगर आप मैगी, मैदा दोगे तो वो क्या करेगी? ग्रो ही नहीं करेगी, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन ज़ीरो मिल रहा है। लेकिन जब आप वही चीज़ें, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, जिससे आपकी स्किन, आपकी हेयर्स अच्छी होंगे, आपकी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। सो नेक्स्ट थिंग इज़, उससे आपका मूड अच्छा रहेगा, आप खुश रहोगे। कभी भी आपको डॉक्टर के पास पीरियड्स की मेडिसिन लेने नहीं जाना पड़ेगा। कभी भी डॉक्टर को आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि मुझे PCOD, PCOS है, या फिर मुझे थायराइड के मेडिसिन लाइफ टाइम तो नहीं खानी पड़ेगी। आप में से कितने लोग ऐसे हो, रिप्लाई करके ज़रूर बताना, कि जो लोग सालों से थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं और पीरियड्स लाने के लिए भी मेडिसिन ले रहे हैं। क्योंकि जब आप एक अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करते हो तो आपको लाइफ टाइम कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो अगर आप अच्छा खाना खाते, अपनी हैबिट्स पे काम करते हैं, आपको फ्री में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? आपका डाइजेशन अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, स्किन अच्छी होगी, आपके हेयर्स अच्छे होंगे। सो आपके और सारी चीज़ें बताऊँ, पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, आपको कभी क्रेविंग्स नहीं होंगी, जो आपको होती है ना शुगर की क्रेविंग्स, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। इतना सा भी खाना खाओगे ना तो सेटिस्फाई होगे। सो अभी आपको सोचना है कि आपको वो जस्ट छोटे से वेट के नंबर के पीछे भागना है या अपनी हैबिट्स पे काम करना है। वो सोच आपको चेंज करनी है, ताकि आप लोग अपना स्ट्रेंथ बढ़ा पाओ, अपना स्टेमिना बढ़ा पाओ, अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाओ, अपने स्किन हेल्थ को अच्छे कर पाओ, अपने हेयर्स को अच्छे कर पाओ, उसके अलावा अपने एनर्जी लेवल को आप लोग बढ़ा पाओ और अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर पाओ। जब ये दोनों चीज़ों पे आप काम करोगे, ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ों को अपनी रूटीन में इंक्लूड कीजिए, ताकि आपको परमानेंट रिजल्ट मिल सके। ये चीज़ें कब होंगी? जब आप लोग कंसिस्टेंट होंगे, पेशेंस रखेंगे। सो अभी आप लोगों के क्वेश्चंस मैं ले लेती हूँ। दी मेरी बेटी 23 ईयर्स की, उसकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, उसका वेट भी 40 kg और 5'4" है। आपकी जो बेटी है, आप उसको अच्छा खाना दीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए। बच्चे पानी बहुत कम पीते हैं, उनको जितना हो सके पानी दीजिए। मैं थायराइड की मेडिसिन 10 साल से ले रही हूँ। आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपने कभी अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान ही नहीं दिया। आपके घर पे जो बनता है आप लोग सब वो खा लेते हैं, बट उसमें कभी आप लोगों ने देखा ही नहीं है कि उसमें आपको कुछ न्यूट्रिशन मिलने वाला है नहीं। अब लोग ये सोचते हैं कि शायद डाइट महंगी पड़ती है, डाइट को बनाने में टाइम लगता है, बट मैं सच बोलूँ, डाइट फूड मींस हेल्दी फूड जो होता है। डाइट वेट लॉस के लिए नहीं होती सबसे बड़ी चीज़, डाइट होती है एक अच्छा खाना खाना, एक न्यूट्रिशन रिच फूड खाना, और वो आपको बहुत चीप रेट में मिलता बनता है। जो आपके बर्गर पिज़्ज़ा आते हैं वो 300-400 रुपए के आप पैसे खर्चते हो, वही 400 रुपए के अगर आप अपनी सब्जियां लेके आओ तो वो 1 week या 4-5 दिन तो एटलीस्ट चलती ही है। सो डाइट फूड कभी कॉस्टली नहीं होते, तो ये सारी चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। मैं कभी नहीं कहती आप मेरे से प्लान लो, आपकी मर्ज़ी होती है वो। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस को भी दिल से फॉलो करेंगे, बहुत सारे फॉलोअर्स ने मेरे 30 किलो, 25 किलो, 19 किलो, 18 किलो कम किया है सिर्फ मेरी वीडियोस को देख के, और मुझे वो पर्सनली मैसेज करते हैं, जिसको मैं अपनी स्टोरियों पे भी टैग करती हूँ, आप कभी चेक करना। उन्होंने मेरे से पर्सनलाइज प्लान कभी नहीं लिया है, उन्होंने हमेशा मेरी वीडियोस को फॉलो करके अपना वेट लॉस किया। सो अगर वो लोग कर सकते हो तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? आप लोग नहीं कर रहे हो, दैट्स व्हेन आप कंसिस्टेंट नहीं हो वो चीज़ पे।
मेरी डाइट का बजट ज़्यादा नहीं है। आप लोग एक ड्रेस लेने जाते हो वही 2,000-2,500 रुपये की आ जाती है, तो जब आप डाइट की बात करते हो जो अपनी हेल्थ के लिए आपको खर्चना है, तो वो कभी महंगा हो सकता है? ऑफ कोर्स नहीं हो सकता है। ओके, सो ज़रूरी नहीं है आप लोग प्लान लो, आप वीडियोस को फॉलो करो। अरे कुछ ना करने के बजाय कुछ तो फॉलो करो, जब आप फॉलो करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, किसी को सुनने से कभी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। सो मेनोपॉज के बाद वेट स्टक हो गया है, लूज नहीं हो रहा है। मेनोपॉज के बाद आपके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, इसलिए वेट स्टक हो जाता है, जिसके लिए आपको एक बैलेंस डाइट और साथ में वर्कआउट ज़रूर करना पड़ेगा। जिंजर लेमन जीरा वाटर इवनिंग टाइम में ले सकते हैं और डिनर टाइम में उसके बाद मिल्क ले सकते हैं। ये पानी वानी पीने से बैन कुछ नहीं होने वाला है, आपको एक अच्छी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी और अपनी रूटीन में चेंजेस लाने पड़ेंगे। वाटर इज़ जस्ट फॉर हाइड्रेशन, वाटर अच्छा होता है आपके, कुछ ड्रिंक्स मेटाबॉलिक रेट को हाई करती हैं, बट मेक श्योर आपकी जो डाइट है वो अच्छी होनी चाहिए। आई एम सफरिंग फॉर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम विल, आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, अच्छा खाना खाना शुरू करो। रागी अच्छी होती है, रागी आप अपनी 365 डेज ले सकते हो, उसका कोई नुकसान नहीं है, रागी हर कोई ले सकता है, बहुत अच्छी होती है लेनी। एंड मेनोपॉज का हो गया दी, हम वेजिटेरियन हैं तो स्किन और हेयर्स के लिए क्या खाएं? यार वेजिटेरियन हो तो क्या हुआ, आप लोग दाल राजमा छोले पनीर दही ये सारी चीज़ें एक रूटीन में इंक्लूड कीजिए। मैंने बहुत सारे वेजिटेरियन प्लान शेयर किए हुए हैं, तो आप लोग उसमें से कोई भी एक प्लान फॉलो कर सकते हैं। डिटॉक्स वाटर फॉर कॉन्स्टिपेशन, कोई भी ऐसे ड्रिंक नहीं है, कोई ऐसा स्पेसिफिक पानी नहीं है। आप अपनी बॉडी को एक अच्छी बैलेंस डाइट दें, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई गई, उसमें आप चेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली क्यों होता है, जब आपका गट इंटरनल से हेल्दी नहीं है, इंटरनल से हेल्दी नहीं है दैट्स मीन उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आप जो भी रूटीन फॉलो कर रहे हो वो एक टाइम पे नहीं कर रहे हो। दैट्स मीन कि जैसे आप अपना ब्रेकफास्ट अपनी ये सारी चीज़ें टाइम पे नहीं खा रहे हो, जिसकी वजह से आपको ये इशू आ रहा है। ज्योत्सना जी ने बोला डाइट प्लान इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जो आप ड्रेसेस पहनते हो वो कितने एक्सपेंसिव होती हैं, जो आप शादियों पे तैयार होते हो एक एक दिन के लिए कितने पैसे खर्चते हो, तो डाइट प्लान महंगा कैसे हो सकता है? डाइट प्लान कभी कॉस्टली नहीं होता, क्योंकि आपको मंथ की गाइडेंस मिलती है, और जो आप ड्रेसेस पहनते हो फोटोशूट के लिए वो एक एक दिन की होती है, तो वो कॉस्टली है कि आपका डाइट प्लान कॉस्टली है, ये चीज़ सोच के आप ज़रूर बताना। सो डाइट प्लान कभी कॉस्टली नहीं होते हैं, अगर आप अपनी हेल्थ के लिए, जब कोई सर्जरी आपको इंस्टेंट में करवानी पड़ जाए किसी को या कुछ होना पाए तो आप लोग सोचते हो, वो आपको मंजूर होता है, बट जब आपकी हेल्थ की बात आती है कि आपको ये चीज़ स्पेसिफिक पार्ट के लिए खानी है, आपको कोई समझाता है एक महीने के लिए गाइडेंस करता है, तो वो कैसे एक्सपेंसिव हो सकता है? बट आर द बेनिफिट्स ऑफ पम्पकिन सीड्स, ऑल सीड्स आर गुड, पम्पकिन सीड्स सेसमी सीड्स शिया सीड, ये सारी चीज़ों को अपनी रूटीन में आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, बट एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन। जैसे हर चीज़ अच्छी होती है, प्रोटीन अच्छा है, कार्ब्स अच्छा है, बट प्रोटीन पे हम असेस में नहीं खा सकते, वैसे सीड्स भी अच्छे होते हैं। 5-7 ग्राम्स ऑफ सीड्स टोटल क्वांटिटी बता रही हूँ, आप अपनी डाइट में विंटर्स में सोक करके इंक्लूड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स अच्छे होते हैं, जैसे कि बादाम पिस्ता भी अच्छा है, अखरोट भी अच्छा है, बट हर चीज़ को हम बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। सो मेक श्योर हर चीज़ को आप लोग खा सकते हो, मॉडरेशन में खाएं, क्योंकि मॉडरेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। मॉडरेशन में पोषण कंट्रोल करके जब आप खाते हैं तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। जो ये सीड्स होते हैं वो ओमेगा 3 रिच होते हैं, उसके और भी आपके स्किन हेल्थ के लिए, आपके हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, तो आप अपने स्मूदीज में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। बट सबसे मेन चीज़ क्या है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो पोषण में है। अगर आपको पोषण कंट्रोल नहीं करना आता है तो सिंपल सा कंसेप्ट अपनाएं, अपने हाथ लें, हाथ की जितनी थाली लें, हाफ पैलेट जो आपकी सब्जियों का रखें, 1/4 आपका प्रोटीन रखें, 1/4 अपना आप कार्ब्स रखें, जैसे कि रोटी राइस जो भी आप लेते हैं। लोग बहुत सारे पूछे रोटी खानी चाहिए राइस खानी चाहिए, आप सब कुछ खा सकते हो, आपको पोषण में खाना होता है। जब आप असेस में चीज़ें खाते हो तो जाके आपको मोटापा आता है। कभी भी बिस्किट नमकीन अगर आप खाते हो तो उससे आपको मोटापा आने वाला है, लेकिन जब आप लोग हेल्दी रूटीन को फॉलो करते हो, इस पोर्शन को भी आप इसके हिसाब से खाओगे। शुगर में ये कभी नहीं कहती कि चलो टोटली बंद, मतलब जो आपकी अगर आप पूरा दिन शुगर ले रहे हो, चाय में भी शुगर है, उसमें भी शुगर, उसमें भी शुगर, तो ऑब्वियसली वो आपको नुकसान करने वाली। अब पिंच ऑफ शुगर आप दूध में डालो, चाय कॉफ़ी में मत भी लोगे तो चलेगा यार, वो पी जाती है आराम से। दी मॉर्निंग में एक एप्पल 2 खजूर 5 एलमंड सफिशियंट है ब्रेकफास्ट में।
नहीं, इसमें आपका प्रोटीन कहीं नहीं है। सो मेक श्योर डाइट में सबसे पहला मील जो होता है उसमें आपका प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। ये ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना, ये अर्ली मॉर्निंग आपको लेने होते हैं। जैसे कि मैं सुबह उठ के पानी लेती हूँ, उसके बाद मैं ग्रीन जूस, वेजिटेबल का जूस पीती हूँ विद 5 almonds या 1 walnut या कोई भी जो मेरे पास ड्राई फ्रूट ईजिली अवेलेबल हो। एंड देन उसके 40 to 50 minutes के बाद मैं अपना डायरेक्ट ब्रेकफास्ट करती हूँ। सो ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स नहीं लेने हैं। फर्स्ट मील में आप अपने ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन जूस को इंक्लूड कर सकते हैं, हर्बल टीज को ले सकते हैं, ड्रिंक्स को ले सकते हैं। बट आपका जो मील है, प्रॉपर मील है, जैसे कि आपका दाल का चीला बना सकते हो आप, ओट्स का रैप, ओट्स का चीला बना के पनीर की भुर्जी साथ में ले लीजिए, एग्स ले लीजिए, पनीर का सैंडविच ले लीजिए, 1 पनीर का परांठा ले लीजिए, तो ये सारी चीज़ें आपको नुकसान नहीं करेंगे, आपको फ़ायदा करने वाले, क्योंकि आप सब उसमें घर का बना हुआ और बैलेंस करके खा रहे हो। अब आप सोचो कि सैंडविच, आप पूछोगे कि सैंडविच हेल्दी होता है? देखो, सैंडविच ब्रेड जो है वो आपकी कार्ब्स है, उसमें जो फिलिंग करोगे वो प्रोटीन पनीर की करो, सब्जियां उसमें डालो, 100 to 150 grams आपकी फाइबर हो गया, जो उसके लिए आप उसको ग्रिल करोगे देसी घी यूज़ कीजिए, फैट्स वो हो गई, तो ये आपका बैलेंस मील हो गया। सेम एज इट इज़ दाल का चीला बनाओ, दाल इज़ अ प्रोटीन, दाल का रैप बनाओ वो भी प्रोटीन, पोहा खा रहे हो पोहा में प्रोटीन इंक्लूड करो, थोड़ा सा पोहा लो, इतने सारे सब्जियां लो, इतना सा प्रोटीन लो, तो आपका ये मील बन गया है। सिंपल सा कंसेप्ट है, यू हैव टू ऐड प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, दैट्स मीन वेजिटेबल्स, एंड जितना आपका ये साइज है ना थंब का, उतना ऑयल या घी, उससे ज़्यादा मत रखो। वेट बढ़ जाएगा अगर दिन में 3 बार सॉल्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं 3 बार सॉल्ट खाती हूँ, अभी तक मैंने अपना 20 किलो के आसपास कम कर लिया है। अभी वेट लॉस जर्नी पे 32-33 मेरा टारगेट है, आई होप नेक्स्ट ईयर तक अचीव हो जाए, क्योंकि मैं कोई टारगेट लेके नहीं बैठी हूँ कि स्पेसिफिक मुझे इस टारगेट पे 1 साल तक पहुँचना है। मैंने अपनी जर्नी को अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ, हेल्दी खाना खाती हूँ, पोषण में खाती हूँ, बट ये है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो धीरे धीरे जितना अच्छे से होगा, पर मुझे पता है उसका फ़ायदा मिलने वाला है, स्किन चमकती है यार, हेयर्स अच्छे होते हैं, तो ये फ़ायदे आप लोग भी लो। आपका स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, सीढ़ियाँ चढ़नियाँ सीख जाओ, लिफ्ट की बजाय यूज़ करो, तो पता चलता है स्ट्रेंथ कितना अच्छा हुआ है। एक्सरसाइज पहले थोड़ी सी नहीं होती थी, अब 2 घंटे 1.5 घंटे आराम से हो जाती है, पता चलता है स्टेमिना कितना अच्छा बढ़ गया है। तो डैट इज़ कॉल्ड द परफेक्ट प्लान, जिसमें प्रोटीन का आप थोड़ा समझना स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट जब आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रास्ता ढूंढते हो ना, जब धीरे धीरे वही रास्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सो वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर लगती हैं स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे उस पर चलते जाओगे ना, तो वो इजी हो जाएगा। डिनर कितने बजे तक लास्ट कर ले? 7:30 तक आप कर लो। जैसे मुझे लास्ट 11:30-12 बजे सोना है आपको, तो आप, मैं 8 बजे तक या 7:30 बजे तक लास्ट डिनर कर लेती हूँ, और उसके बाद 8:30 मेरा मिल्क हो जाता है। देन 9:30-10 o'clock में जब भी सोऊं, तो मैं कोई भी ड्रिंक ले लेती हूँ, जिंजर वाटर, सौंफ वाटर, जो भी मुझे पसंद हो उसके हिसाब से, क्योंकि उससे क्या है थोड़ी बॉडी क्लीन हो जाती है जब हम सुबह उठते हैं तो ल्यूक वार्म करके। वर्कआउट कितना करते हो आप? डिपेंड्स ऑन, मेरा वैसे, मैं सच बोलूँ, मेरा वर्कआउट जो होता है योगा, कपालभाति, ओम विलोम मैं अच्छे से करती हूँ, मेडिटेशन मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ बॉडी के रिलैक्सिंग के लिए, ताकि खुश रह पाऊँ। और उसके बाद जितने भी आप सबके कॉल्स आते हैं, जैसे कि मेरे क्लाइंट्स के, आप सबकी इंक्वायरीज के, मैं कभी भी बैठ के नहीं लेती। मैं हमेशा, जब से मैं इस लाइन पर आई हूँ, जितनी भी मेरी कॉलिंग्स आती हैं वो हमेशा मैं वॉकिंग पे लेती हूँ। उससे क्या फ़ायदा होता है कि मेरा हमेशा 10-15 हज़ार से ऊपर स्टेप क्रॉस कर जाता है। समटाइम्स इतनी ज़्यादा कॉलिंग रहती है जब हम न्यू बैच स्टार्ट करते हैं, तो उससे भी ज़्यादा हो जाता है। सो जितनी भी आपकी कॉलिंग्स करते हो आप लोग, मैं क्लाइंट्स को करती हूँ, आप अपने रिलेटिव्स, अपनी मम्मी, अपनी नानी दादी, बुआ सास, इसको भी आप करते हो, वो सब वॉकिंग पे घर पे लेना शुरू कर दो, या ऑफिस में, जैसे भी आपके लिए पॉसिबल हो पाए। जितना आप वॉकिंग पे करोगे ना, उतने आपके स्टेप काउंट अच्छे होंगे, उतनी आपकी बॉडी एक्टिव होगी, क्या पूरा दिन चलते फिरते रहोगे, आपको एक्स्ट्रा से गार्डन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज़ है। सो छोटी छोटी सी चीज़ों को बदलो। कभी मैं ये नहीं बोलती लो बेटा प्लान लो और फॉलो करो, वो पॉसिबल नहीं होता है। वो पॉसिबल है जब आप आगे से ही, आपने 7-8 किलो कम किया है तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं अभी मुझे प्लान लेने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप उस पर काम करोगे धीरे धीरे, अपनी आदतों को चेंज करो, सबसे बड़ी चीज़ वो है, तो आपको जाके रिजल्ट मिलेंगे। एप्पल साइडर विनेगर रात में ले सकते हैं अगर आपको सूट करता है तो। मैं वैसे लेती हूँ डिनर के आधा घंटा पहले, या फिर किसी भी मील के आधा घंटा पहले मैं लेती हूँ, मैं बाद में कभी नहीं लेती।
स्टेप्स आप कर सकते हो। इफ़ यू आर बिगनर तो 7,000 स्टेप्स से स्टार्ट कीजिए। जैसे भी मेरे 15,000 टू 17,000 क्रॉस कर जाते हैं तो धीरे धीरे उसको 10,000 पे लेके जाइए। बट उसके बाद अगर आप बिगनर हो तो आप इतने कीजिए। उसके बाद अपनी सेकेंड मंथ से अपनी रूटीन में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये चीज़ें ज़रूर इंक्लूड कीजिए। योगा अच्छा होता है स्ट्रेचिंग के लिए, वो ज़रूर इंक्लूड करें। बट मेक श्योर ये सारी चीज़ों को लाइफ का पार्ट बनाए। लाइफ स्टाइल बनाएंगे तो आपको परमानेंट रिजल्ट मिलने वाला है। शादी पे जाना है, बहन की शादी है, या फिर मुझे गोवा घूमने जाना है, मुंबई जाना है, इसलिए मुझे पतला होना है, तो उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो अगले महीने फिर बाउंस बैक आ जाएगा। सो परमानेंट रिजल्ट चाहते हो तो परमानेंट काम भी कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, चीट मील्स बिल्कुल ना करें, दिल से जर्नी फॉलो करें। यार मेंटेनेंस में सब कुछ खाने को मिलता है, सो मेंटेनेंस में आप लोग सब कुछ खा सकते हो। सो आराम से अपनी जर्नी को एंजॉय करो, अलग अलग चीज़ें बनाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, बहुत कुछ बनता है आजकल तो, इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ आ गई हैं। रोटी पसंद है तो रोटी का पिज़्ज़ा बनाओ, सूजी का चीला पसंद है तो सूजी का पास्ता ले लो, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। बट मेहनत लगती है, बस मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, पाव भाजी पसंद है तो पनीर भाजी बनाओ, जिसकी रेसिपी मैंने शेयर की थी। तो थोड़ी सी मेहनत करोगे तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, अगर शॉर्टकट पे जाओगे तो शॉर्टकट वाला ही रिजल्ट मिलने वाला है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। सो अभी आप लोग एक नंबर पे काम करना बंद कीजिए, अपनी आदतों को बदलिए, अपने लाइफस्टाइल को बदलिए, अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अमृता जी ने रिक्वेस्ट मैसेज किया, यू एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी नाइसली, थैंक यू सो मच अमृता जी। ज्योत्सना जी यू आर वेरी स्वीट, थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हाइड्रेट रहिए। विंटर्स हैं, लोग पानी नहीं पीते हैं, बट जितना हो सके आप लोग पानी का कंजप्शन अच्छा रखें, जितना हो सके पानी पिए, तो बहुत ज़रूरी है अभी पानी पीना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिट रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी रूटीन्स को इंक्लूड कीजिए, लाइफस्टाइल अपना चेंज कीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।